सभी को मेरे नमस्कार। मैं राजेंद्र सैनी, आरआर कंप्यूटर्स, रामनगर, सूरडाला से। आज हमारे फॉर्मूले की सेकंड क्लास है। आज हमारी क्लास है फॉर्मूलोज की। सबसे बड़ी वैल्यू आपको अपनी टेबल में से, रो में से या कॉलम में से निकालनी हो तो हम मैक्स फॉर्मूला का यूज करते हैं। इक्वल एम ए एक्स मैक्स ब्रैकेट ओपन और सेलेक्ट एरिया, जितने एरिया में से आपको मैक्सिमम वैल्यू लेनी है। आपने सेलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर। तो ये हमें जितना हमने एरिया सेलेक्ट किया उस एरिया में से हमें सबसे बड़ी वाली वैल्यू दिखाएगा। दोबारा देख लेते हैं एक बार। इक्वल मैक्स ब्रैकेट ओपन सेलेक्ट एरिया, जितने में से आपको सेलेक्ट करना है, यानी मुझे सेलेक्ट करना है C4 सेल से J4 सेल तक। आप रो और कॉलम वाइज कैसे भी सेलेक्ट कर सकते हैं और पूरी टेबल को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। जितना एरिया आप सेलेक्ट करेंगे उसमें से सबसे बड़ी वैल्यू को आपको ये शो करेगा। अगर वैल्यू चेंज होगी तो ये भी ऑटोमेटिकली रिजल्ट भी चेंज कर देगा, यानी 41। तो यहाँ पे सबसे बड़ी वैल्यू 41 है। हम वैल्यू चेंज करते हैं, यहाँ पे मैंने 50 टाइप किया और एंटर किया तो मेरे रिजल्ट में 50 आ गया, यानी मैक्सिमम वैल्यू अपने आप ऑटोमेटिकली ये शो कर देगा। इसी तरह होता है मिनिमम, यानी मिनी। इक्वल एम आई एन मिनी ब्रैकेट ओपन सेलेक्ट एरिया, कहाँ से कहाँ तक आपको शो करना है, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो आपके ये मिनिमम वैल्यू शो कर देगा, जितना एरिया आपने सेलेक्ट किया उसमें से आपके मिनिमम वैल्यू शो कर देगा। सेलेक्ट किया और यहाँ से ये मिनिमम सेलेक्ट किया, C4 से J4 तक की मिनिमम वैल्यू, जो भी इस एरिया में जितना एरिया आपने सेलेक्ट किया है उस एरिया में से सबसे छोटी वैल्यू को ये शो कर देगा। मैक्स सबसे बड़ी, मिनी सबसे छोटी, स्मॉल। अब आपको कंडीशनली स्मॉल वैल्यू लेनी हो, यानी छोटी वैल्यू लेनी। 13 तो आपकी सबसे छोटी हो गई। अब आपको सबसे छोटी नहीं लेनी है, सबसे छोटी से एक नंबर ऊपर लेनी है। यानी कंडीशन होगी आपके पास कि एक नंबर वाली छोटी चाहिए, दो नंबर वाली छोटी चाहिए, तीन नंबर वाली छोटी चाहिए। तो आप स्मॉल फॉर्मूले का यूज करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट ओपन और सेलेक्ट एरिया। अब आपने एरिया सेलेक्ट किया, यानी एरिया सेलेक्ट किया कॉमा के मतलब होता है उस वैल्यू का नंबर जो आपको लेनी है। जैसे स्मॉल का मतलब छोटी हो गई। अब यहां पे सबसे छोटी तो 14 है या 13 है, 13 सबसे छोटी है, यानी एक नंबर इसका हो गया 14, उससे थोड़ी सी बड़ी है पर बाकी से छोटी है, तो दो नंबर इसका हो गया। उसके बाद है 20, तीन नंबर इसका हो गया, दोबारा 20 आ गया तो चार नंबर भी इसका हो गया, और फिर 23 है। तो इस तरह से इनका नंबर है, तो उसमें से आपको कौन से नंबर की छोटी लेनी है। जैसे मैंने यहाँ कहा दो नंबर की छोटी, यानी सबसे छोटी पर उससे बड़ी हो, सबसे छोटी से एक नंबर बड़ी, तो मैंने दो लिखा और एंटर किया तो मेरे आ गया 14। तो आप देखेंगे सबसे छोटी 13 है और उससे ऊपर 14 यानी 14 है। इक्वल दोबारा देख लीजिए, इक्वल स्मॉल ब्रैकेट ओपन सेलेक्ट एरिया कॉमा, कौन से नंबर के स्मॉल लेनी है, तीन नंबर की स्मॉल, तो हमारी आएगी अभी हमारे एक एक नंबर की स्मॉल, दो नंबर की स्मॉल, तीन नंबर की स्मॉल, यानी 16, 16 आएगी। ब्रैकेट क्लोज और एंटर। इसके बाद लार्ज, लार्ज मतलब बड़ा। आपको बड़ी वैल्यू लेनी है। इक्वल लार्ज किस एरिया में से लेनी है, एरिया आप सेलेक्ट करें, टेबल रो कॉलम जो भी आप सेलेक्ट करना चाहें वो आप सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद कॉमा, लार्ज मतलब बड़ी। सबसे बड़ी लेनी है तो आपको मैक्सिमम का यूज कर सकते हैं, पर आपको कंडीशन लेनी है ना, लार्ज लेनी, कितने नंबर की लार्ज आपको लेनी है वो आप सेलेक्ट करें कि मुझे दो नंबर की लार्ज लेनी है। तो हमारे पास यहाँ पे सबसे लार्ज है 45, मुझे 45 नहीं लेनी है, 45 से छोटी लेनी है। 45 सबसे बड़ी है पर उससे छोटी लेनी है, तो मैंने दो लिखा, दो हमारे हो गया 38, तो ब्रैकेट क्लोज किया मैंने और एंटर, तो रिजल्ट आ गया 38। इक्वल एल ए आर जी ई लार्ज ब्रैकेट ओपन सेलेक्ट एरिया कॉमा, कौन से नंबर की आपको लार्ज लेनी है, मुझे 3 नंबर की लार्ज लेनी है, ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर, तो 26 इस तरह से हमारे लार्ज आ गया। एबीएस, एबीएस होता है कि आपकी माइनस की वैल्यू को प्लस में कन्वर्ट करने के लिए। आपकी कोई भी वैल्यू है वो आपका रिजल्ट माइनस में आ रहा है, आप चाहते हैं कि उसे मुझे पॉजिटिव करना है, यानी नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए। तो इक्वल एबीएस ब्रैकेट ओपन आपका वो नंबर
जो नेगेटिव है, जैसे -10 ब्रैकेट क्लोज। आप वैल्यू भी टाइप कर सकते हैं और किसी सेल को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी मैंने वैल्यू टाइप की है और मैंने यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर किया, तो ये प्लस में कन्वर्ट हो गया। कई बार आपका ऐसा हो कि आपके पास यहाँ पे वैल्यू हो, मुझे इसको प्लस में लेना हो, तो इक्वल ABS सेलेक्ट वैल्यू ब्रैकेट क्लोज एंटर, वैल्यू आपका रिजल्ट आ रहा हो माइनस में, आपको प्लस में लेना हो तो आप इस तरह से उसको यूज कर सकते हैं। ABS ब्रैकेट ओपन 30 -40 ब्रैकेट क्लोज और एंटर। अभी आपके ये माइनस में रिजल्ट आता पर अभी आपके प्लस में आया है, क्योंकि आपने फॉर्मूले में ही ABS लगा दिया और उसके बाद आपने वैल्यू सॉल्व की। इस तरह से भी हम ले सकते हैं, या कोई हमारा फॉर्मूला हो तो उसको भी हम इसे यूज कर सकते हैं। लेफ्ट, किसी कई बार हमारे पास ऐसा होता है कि हमारे पास लिस्ट होती है नेम की, जिसमें सरनेम और नेम एक साथ होते हैं। अब हमें नेम को अलग करना हो, सरनेम को अलग करना हो, तो हम लेफ्ट फंक्शन का और राइट फंक्शन का यूज ले सकते हैं। कैसे, देखिए आप, इक्वल लेफ्ट ब्रैकेट ओपन सेलेक्ट टेक्स, मुझे मोहन को अलग करना है, तो मोहन में जो डिजिट है वो है 1M1O2H3A4N5, तो कॉमा, मुझे 5 डिजिट लेने हैं, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। ये देखिए आप, मोहन, ओनली मोहन आपके पास अलग हो गया। इसी तरह आपको शर्मा को अलग करना हो, इक्वल राइट सेलेक्ट टेक्स कॉमा, और यहां से आपको डिजिट देने हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो आप देखेंगे दोनों नाम अलग अलग हो गए हैं। लेफ्ट, यहां से सेलेक्ट किया टेक्स्ट को, कॉमा, 3 डिजिट, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। यहां से मुझे 3 डिजिट लेना है वापस, तो वही राइट सेलेक्ट टेक्स्ट कॉमा, 3 डिजिट, एंटर। जितने आपको राइट साइड से और लेफ्ट साइड से डिजिट लेने हो या करेक्टर लेने हो, उतने नंबर आप यहां पे टाइप कर सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि इस वैल्यू में जो भी पॉइंट के बाद डिजिट है वो अलग हो जाए, हम उनको अलग करना चाहते हैं, तो हम राइट का फॉर्मूला ला सकते हैं। राइट सेलेक्ट टेक्स्ट कॉमा, 3 डिजिट मुझे लेने हैं, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। ये देखिए, यहां पे आपके पॉइंट वाले 3 डिजिट अलग से हो गए। इसी तरह आप इसको ड्रैग करेंगे तो नीचे वाले भी, पर आपकी वैल्यू तो नीचे वाली आपके 3 डिजिट को ही ले लेगा। आपकी वैल्यू के पॉइंट के बाद सभी में 3 डिजिट होने चाहिए। कई बार देखते हैं कि हम कहीं से कोई टेक्स्ट या नेम लिस्ट कहीं से कॉपी करते हैं या नेट वगैरह से लेते हैं, तो हमारे पास इस तरह की लिस्ट आती है, यानी स्पेस किसी में कम होता है, किसी में ज्यादा होता है, स्पेस पूरा प्रॉपर नहीं होता है। हम चाहते हैं कि हमें जो भी हमारा टेक्स्ट है उसमें एक का स्पेस मिले। इसमें बहुत सारा स्पेस है, आप चाहते हैं कि मुझे इसमें एक का स्पेस ही रखना हो, दोनों के बीच में जो नेम है और जो सरनेम है उसके बीच में मुझे एक का स्पेस ही रखना हो, तो हम ट्रिम फंक्शन का यूज कर सकते हैं। इक्वल ट्रिम सेलेक्ट टेक्स आपका ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो देखेंगे आप, एक का स्पेस इसने ऑटोमेटिकली मेंटेन कर लिया, यानी एक का स्पेस सेट करके आपको वैल्यू दे दी। दोबारा देखें, इक्वल ट्रिम सेलेक्ट टेक्स ब्रैकेट क्लोज और एंटर। इस तरह से हमारे पास कोई लंबी चौड़ी लिस्ट हो या बड़ी सारी लिस्ट हो, छोटी सी लिस्ट में तो कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हैं। अगर बड़ी लिस्ट हो तब हम इस फंक्शन का यूज लेके सभी नेम को सेट कर सकते हैं। अभी आपके पास कोई नेम लिस्ट बनी हुई हो, वो कैपिटल लेटर में या सेंटेंस केस में सेट हो, और आप चाहते हैं कि वो सभी स्मॉल लेटर में टाइप हो या स्मॉल लेटर में आपको लेनी है, तो आप दोबारा टाइप करेंगे, तो दोबारा टाइप ना करने के बजाय आप फंक्शन का यूज ले सकते हैं लोअर फंक्शन का। इक्वल लोअर सेलेक्ट टेक्स ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो आप देखेंगे आपके जो भी नेम है वो सारे लोअर केस में कन्वर्ट हो गए। लोअर सेलेक्ट टेक्स जो भी आप लेना चाहें, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। इस तरह से आप आपकी जो भी लिस्ट हो उस लिस्ट को आप लोअर केस में कन्वर्ट कर सकते हैं प्रॉपर। इक्वल प्रॉपर, प्रॉपर का मतलब होता है कि आपका सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड कैपिटल लेटर में हो, उस तरह से आपको अपनी लिस्ट सेट करनी हो। इक्वल प्रॉपर टाइप करें, सेलेक्ट टेक्स्ट करें और एंटर, तो आपके प्रॉपर वे में सेट हो जाएगी। सेलेक्ट टेक्स्ट ब्रैकेट क्लोज और एंटर, पकड़ के आप ड्रैग भी कर सकते हैं, एक फॉर्मूला लगाए बाकी पे आप ड्रैग भी कर सकते हैं। अपर केस, आपको सभी करेक्टर, नेम के सभी करेक्टर
अपर केस में लेने हो तो आप अपर फंक्शन का यूज कर सकते हैं, अपर फॉर्मूले का आप यूज कर सकते हैं, इक्वल अपर सेलेक्ट टेक्स्ट ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो इस तरह से आप देखेंगे आपके सारे कैरेक्टर अपर केस में कन्वर्ट हो गए हैं। आपने एक जगह फॉर्मूला लगाया, पकड़ के आप ट्रैक भी कर सकते हैं और दोबारा नया फॉर्मूला लगा सकते हैं।